अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और व्यूअर्स, मैं भी खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको हाई वेस्टर की जगह एक मशीन होती है और तरह की, वो मैं बताऊंगा। हम पंजाबी में तो उसे पड़ोली कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर उसे लादा हुआ है, तो उसके ऊपर ये उतारेंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि ये कैसे चावल के फसल को काटती है। बस ये मशीन है SR55, स्काई रोड नाम है इसका। तो पंजाबी में हम इसको पड़ोली कहते हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर इसको चढ़ाया गया है। इसके साथ दो तीन आदमी होते हैं जो ऑपरेटर होते हैं। एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं। चावल की फसल को काट लिया है। तो जो हमारा थोड़ा सा फसल है वो पानी में था, तो कुछ और भाई जान भी हैं, उनका पानी में था, इसलिए हमने इसको मंगवाया है। तो आप भी देखें कैसे ये। बस ये इसके मालिक बता रहे हैं कि दिन में ये 10 एकड़ फसल को तकरीबन काट लेती है। जी अब उतरने लगी है खेत में, अब उतरने लगी है। बस आप देखें कि हमने इधर पहले हाईवेस्टर मशीन यहाँ पर डाली थी, लेकिन पानी होने की वजह से वो ना काट सकी। तो अब ये मशीन लाए हैं हम पड़ोसी।
तो विवर्स ये हमारे खेत के बिल्कुल नज़दीक हमारी ये मशीन चल रही है। तो आप देखें कि वैसे ये बहुत महारत है, ज़िमींदार के काम को बहुत आसान कर दिया है इन्होंने। अंग्रेज़ ज़ाहिर अंग्रेज़ ने बनाई होगी तो साइंसदानों ने बनाई होगी, लेकिन ये पानी है नीचे, लेकिन पानी में भी ये काट रही है। अभी बस उधर हमने चाय भी पी है, टी ब्रेक भी की है, तो इधर काम भी लगे हैं लोग। ये देखिए पराली इकट्ठी करने लगे हैं, ये बाकियात जो है चावल की वो भी इकट्ठी करने लगे हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो टी ब्रेक ड्राइवर हजरात कर रहे हैं वो पीछे सामने। तो ये मेरे पीछे फिर ये चक्कर लगा के पड़ोली आई है, तो क्योंकि ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है इस पड़ोली के बारे में। तो भी बस जो ड्राइवर हजरात या मालिक हजरात जानते हैं वही सब कुछ आपको बता सकते हैं कि हमें तो बस इतना पता है कि ये दिन में 10 एकड़ से लेकर 12 एकड़ या इससे ज़्यादा भी काट सकती है अगर ज़मीन पर पानी ना हो, ज़मीन पर फसल खड़ी हो, ये बता रहे हैं हमें मालिक।
व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। कटाई मुकम्मल हो गई है और सफाई में ईमान है। अल्लाह हाफिज़।